एक जंगल में चिड़िया रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी चिड़िया रानी बहुत ही सुंदर थी और उसका गाने का स्वर बहुत मीठा था लेकिन वह मेहनत करना पसंद नहीं करती थी सारा दिन पेड़ों पर इधर उधर उड़ती रहती और गाना गाती दूसरी तरफ जंगल में ही चींटी नाम की एक छोटी सी चींटी रहती थी चींटी बहुत मेहनती थी हर रोज़ वह खाने की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी एक दिन गर्मी का मौसम आया सूखा पड़ गया और कहीं पर भी फल या दाना नहीं मिल रहा था चिड़िया रानी भूखी रहने लगी उसने सारे पेड़ ढूंढ लिए पर उसे कुछ नहीं मिला तब उसे चींटी की याद आई चिड़िया रानी चींटी के घर गई और उससे भोजन मांगा चींटी ने चिड़िया रानी को देखा तो हैरान हो गई चींटी ने पूछा रानी आपको मुझसे भोजन क्यों चाहिए चिड़िया रानी ने कहा पूरे जंगल में कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा भोजन मांग रही हूँ चींटी ने कहा रानी मैंने तो आपको कई बार देखा है आप कभी मेहनत नहीं करती थी ना ही कभी दाना इकट्ठा करती थी अब भूख लगी है तो याद आई चिड़िया रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ उसने कहा चिंटी मुझे माफ कर दो मैंने मेहनत करना नहीं सीखा अब मैं समझ गई हूं कि मेहनत करना कितना जरूरी है चिंटी ने चिड़िया रानी को थोड़ा सा दाना दिया और कहा अच्छा हुआ कि आपको समझ में आया आने वाले समय के लिए भी थोड़ी मेहनत कर ली होती तो अब भूखी न रहती चिड़िया रानी ने चींटी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब से मेहनत करना सीखेगी सीख इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए आलसी बनने से कोई फायदा नहीं होता मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है ज्ञान बच्चों क्या आपको पता है आलसी चिड़िया के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है कोयल कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती है इसके बजाय वे अपने अंडे अन्य पक्षियों के घोंसलों में दे देती हैं वे अक्सर अपने से छोटे पक्षियों के घोंसले चुनती हैं जिससे मेजबान पक्षी को कोयल के बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालना पड़ता है यह व्यवहार कोयल को घोंसला बनाने और बच्चे को पालने के काम से छुटकारा देता है दूसरी ओर चींटियां सबसे मेहनती प्राणी हैं। चींटियां अविश्वसनीय रूप से मेहनती होती हैं वे अपने शरीर के आकार से कई गुना बड़ा भोजन ढो सकती हैं और जटिल सुरंगों वाली विशाल उपनिवेश बनाती हैं yeah!